नमस्कार दोस्तों, मैं तमन्ना फिर से स्वागत करती हूं आपका आपके ही इस YouTube चैनल में। इस चैनल में हम पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स और हॉरर स्टोरीज को लेकर आते हैं, जिसे सुनकर आपकी बॉडी फुल एनर्जेटिक होती है और आपको मिलता है एक हार्ट का डोज। तो फटाफट से सब्सक्राइब करें इस चैनल को और जुड़े रहें इससे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी एक ऐसे हॉन्टेड रेलवे स्टेशन की है, जिसकी ओर जाने से पहले सभी यात्री बाहर देखने वाली खिड़कियों को बंद कर देती हैं। पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है ट्रेन में, क्योंकि इस हॉन्टेड रेलवे स्टेशन की ओर कोई देखना ही नहीं चाहता। लगभग 15 वर्ष हो गए हैं जो भी इस हॉन्टेड रेलवे स्टेशन की ओर देखता है, या तो उसकी अचानक से किसी रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है, या फिर पागलपन के दौरे उसे इस कदर पागल कर देते हैं कि वो इंसान अपने होश में ही नहीं रहता। इतना ज्यादा बदनाम है ये रेलवे स्टेशन। तो आज जिस व्यूअर ने हमें ये स्टोरी भेजी है, वो इस रेलवे स्टेशन पर खिड़की खोलकर देख लेते हैं क्या है इस हॉन्टेड रेलवे स्टेशन की सच्चाई और उनके साथ क्या होता है। उन्होंने अपनी स्टोरी में ये साझा किया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं उनकी ये स्टोरी। ये कहानी है शिवम की। शिवम ने हमें ये कहानी बताते हुए कहा कि उनके साथ कुछ ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट उस रेलवे स्टेशन को देखने के बाद हुए कि उन्हें अपनी आंखों पर खुद विश्वास नहीं हुआ। शिवम ये जानने के लिए बड़े ही ज्यादा उत्सुक थे कि भूत आखिर होते कैसे हैं और दिखते कैसे हैं। उन्होंने अपने दोस्तों से और गूगल पर भी सर्च किया था इस हॉन्टेड रेलवे स्टेशन के बारे में। तो शिवम जाते हैं और इस रेलवे स्टेशन की एक टिकट बुक करवाते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, और जैसे जैसे वो रेलवे स्टेशन पास आता जाता है उनकी उत्सुकता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ट्रेन में उनके आसपास कई सारे लोग बैठे होते हैं जो अपनी बातचीत में व्यस्त होते हैं, साथ ही कई सारी हंसी मजाक भी कर रही होती हैं। लेकिन जैसे ही वो रेलवे स्टेशन नजदीक आने को होता है, जैसे तो सबके पसीने छूट जाते हैं, तब अपनी अपनी खिड़कियां बंद कर देती हैं। ट्रेन में बिल्कुल जैसे तो अंधेरा सा छा जाता है, लेकिन शिवम उस समय अपनी खिड़की बंद नहीं करते और देखना चाहते हैं कि आखिर ये हॉन्टेड रेलवे स्टेशन है कैसा और यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज है जिससे लोग इतने ज्यादा डरते हैं और डरकर ये सभी खिड़कियां बंद कर देते हैं और यहाँ पर ट्रेन भी नहीं रुकती और किसी का आना जाना भी नहीं। शिवम बड़े ही उत्सुक होते हैं ये जानने के लिए कि आखिरकार यहाँ पर ऐसा है क्या। शिवम ये देखकर काफी हैरान होते हैं कि सभी जो हंसी मजाक कर रहे होते हैं लोग आपस में, जैसे तो एक खामोशी सी छा जाती है। अब रेलवे स्टेशन नजदीक आ ही रहा होता है कि शिवम की उत्सुकता बेहद ज्यादा बढ़ जाती है। वो बाहर झांकने को जैसे तो तैयार ही हो, रेलवे स्टेशन काफी नजदीक आने को होता है कि उनके पास बैठे एक यात्री खुद ही उनकी खिड़की बंद कर देते हैं और कहते हैं कि तुम जानते नहीं कि ये कौन सा रेलवे स्टेशन है, बंद करो इस खिड़की को और चुपचाप बैठे रहो। ये जानकर शिवम काफी ज्यादा हैरान भी हो जाते हैं कि लोगों में इस कदर इस रेलवे स्टेशन को लेकर डर है। अब वॉशरूम के बहाने जो शिवम उठते हैं और जाकर रेलवे का मेन गेट खोल देते हैं, वहां से बाहर झांकने की कोशिश करते हैं कि इस रेलवे स्टेशन में आखिर है क्या। दरवाजा खोलकर जैसे ही शिवम बाहर की ओर देखते हैं तो रेलवे स्टेशन पर जैसे मौत की चुप्पी छाई हो। ना तो किसी जानवर, ना चिड़िया के चहकने तक की आवाज उस रेलवे स्टेशन पर नजर नहीं आ रही थी। शिवम चारों ओर देखते हैं और गौर से अपनी नजर गड़ाकर उस रेलवे स्टेशन को ही निहारते रहते हैं, लेकिन मन ही मन मुस्कुराते हैं और सोचते हैं कि यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है जो कि डरने लायक हो। मैंने तो टाइम ही वेस्ट किया यहाँ पर आकर, ये किसी भी तरह का कोई हॉन्टेड प्लेस तो नजर नहीं आता, मुझे तो कोई भूत नहीं दिखा। मन ही मन ऐसा सोच ही रहे होते हैं कि रेलवे स्टेशन गुजर जाता है और अभी लोगों में इतना ज्यादा डर होता है कि अगले जब तक 2-3 रेलवे स्टेशन और ना गुजर जाएं, लोग अपनी खिड़कियां नहीं खोलते। स्टेशन से थोड़ी ही दूर निकली हुई थी ट्रेन के, शिवम जो है वापस जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। सीट पर बैठने के बाद शिवम देखता है कि लोग खामखा ही इतने डर रहे हैं। रेलवे स्टेशन को तो मैं खुद अपनी जो है आंखों से देखकर आया हूँ, वहां पर किसी तरह की डरने वाली तो कोई चीज बिल्कुल नहीं थी। बैठे बैठे शिवम को थोड़ी ही देर होती है कि एक राजस्थानी गेटअप में एक बूढ़ी अम्मा, जैसे तो वो पैरों से अलाचार हो और नीचे घिसड़ घिसड़ कर चल रही हो, और वो शिवम की ओर ही बढ़ रही थी। पहले तो शिवम ने ये सोचा कि शायद ये भिखारी है और कुछ पैसे मांगने के लिए इस ट्रेन में चढ़ी है, लेकिन उनके हाथों में कुछ राजस्थानी मोटे मोटे चांदी के कड़े थे और उनकी वेशभूषा से ये बिल्कुल नहीं लगता था कि वो कोई भिखारी है।
अब वो बूढ़ी अम्मा शिवम के पास और नजदीक जाकर बैठ जाती हैं और एक टक शिवम को ही देखती रहती हैं। शिवम पहले तो इस बात को इग्नोर करते हैं, लेकिन जब काफी समय बीत जाता है तो आखिरकार अम्मा से पूछ ही लेते हैं कि क्या बात है अम्मा। अम्मा बिल्कुल चुप, उनकी आंखें बिल्कुल खामोश, जैसे तो वो कुछ कह ही ना पा रही, और बस एक हल्की सी स्माइल देती हैं शिवम को। शिवम ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं कि ये बूढ़ी अम्मा लगातार एक टक उसकी ही तरफ देखे जा रही हैं। अब जब लगता है शिवम को कि बूढ़ी अम्मा को शायद कोई परेशानी है, ये एक टक उनकी तरफ इस तरह से क्यों देखी जा रही है, और उनका चेहरा अब जरा भयानक भी हो रहा था। शिवम ये देखकर काफी परेशान हो जाता है और आखिरकार अम्मा से कह ही देता है, अम्मा क्या परेशानी है, एक टक भला मुझे क्यों देखे जा रही हैं आप। उनके जो पास बैठे एक यात्री होते हैं वो कह देते हैं, भाई साहब किससे बात कर रहे हैं आप, कौन बूढ़ी अम्मा है यहाँ, किसे बार बार कह रहे हैं कि मुझे क्यों देख रही है। अब शिवम कहता है कि अंधा हो गया क्या, सामने दिख नहीं रही है बूढ़ी अम्मा बैठी हुई है, एक टक मुझे ही निहारे जा रही है। अब यात्री कहता है कि कौन बूढ़ी अम्मा, तेरा दिमागी संतुलन तो ठीक है, यहाँ पर कोई नहीं है। शिवम उस यात्री की बात सुनकर काफी हैरान हो जाता है, जैसे तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। आसपास के लोगों को देखता है, सब अपनी बातों में व्यस्त होते हैं, कोई उस बूढ़ी अम्मा की ओर ध्यान नहीं दे रहा था, जैसे तो किसी को वो दिख ही नहीं रही, सिर्फ वो शिवम को ही नजर आ रही थी। शिवम अब अंदर से पूरी तरह से डर चुका है, कोई बूढ़ी अम्मा उसे लगभग 10 मिनट से निहारे जा रही थी और वो बाकी किसी को नजर भी नहीं आ रही। अब बूढ़ी अम्मा शिवम को देखकर जोर जोर से हंसने लगती हैं, जैसे तो उनकी हंसी बेहद ज्यादा भयानक हो, और वो कुछ राजस्थानी भाषा में कह रही हो शिवम से। इतने में ही शिवम अंदर से डरा होता है और वो बूढ़ी अम्मा उसे ही देखती जाती है। शिवम आसपास के यात्रियों से भी पूछता है कि ये बूढ़ी अम्मा जो मुझे एक टक देख रही है, क्या तुम्हें भी ये नजर आ रही है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। किसी को भी जब वो बूढ़ी अम्मा नजर नहीं आ रही थी, तो वो बूढ़ी अम्मा एक छोटा बच्चा जो वहां पर कुछ आइसक्रीम वगैरह खा रहा था उसकी तरफ देखकर उसे अपनी गोद में उठाने की कोशिश करती हैं, उसकी तरफ बढ़ती हैं, और वो बच्चा जोर से चिल्लाता है कि मम्मी देखो अम्मा की आंखें कितनी लाल हैं। अब शिवम की जरा जान में जान आई। शिवम ने ये सोचा कि ये बूढ़ी अम्मा सिर्फ मुझे ही नहीं, इस बच्चे को भी नजर आई है। शिवम अब कहता है सभी यात्रियों को, जितने भी यात्री ट्रेन में बैठे हैं, कहता है कि इस ट्रेन में कुछ ठीक नहीं है, कोई बूढ़ी अम्मा मुझे उस हॉन्टेड रेलवे स्टेशन से ही फॉलो कर रही है, और अब वो इस ट्रेन के अंदर मौजूद है। बच्चा भी डर जाता है, बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जैसे तो वो बूढ़ी अम्मा अपना हाथ बढ़ाकर उसके मुंह को बंद कर देती है। अब बच्चा जैसे डरा सहमा एक ही जगह पर खड़ा रहता है। बच्चे की माँ भी ये देखकर बड़ी हैरान हो जाती हैं कि आखिर बच्चे के साथ ये हुआ क्या। सभी यात्री काफी हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि उस हॉन्टेड रेलवे स्टेशन से गुजरते वक्त ट्रेन में आज कुछ ऐसा हो गया है जो नॉर्मल नहीं है। बूढ़ी अम्मा के हंसने की डरावनी आवाज लगातार आ रही थी, कभी तो बूढ़ी अम्मा जोर जोर से हंसने लगती और कभी रोने लगती। शिवम को यह समझ नहीं आ रहा था कि वो इस मुसीबत से भला कैसे निकले, जैसे तो शिवम के हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हों। उसने ऐसा हादसा अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था कि उसके साथ कोई ऐसी घटना घटित हो रही हो और कोई उसे इस हद तक डरा रहा हो। बूढ़ी अम्मा के माथे पर एक गहरी चोट लगी जिसमें से खून बह रहा था, और खून टपक कर शिवम के जरा पैरों के पास आकर बहने लगा, और खून की मात्रा इतनी ज्यादा बह रही थी कि चारों तरफ शिवम को एक गाढ़ा लाल खून बहता हुआ नजर आ रहा था। शिवम अब पूरी तरह से डर जाता है और सोचता है कि किसी तरह से ट्रेन से बाहर निकल जाऊं, लेकिन तो वो बूढ़ी अम्मा जैसे उसके नजदीक और नजदीक के चेहरे के पास ही आती जा रही। बच्चे की हालत जब काफी देर तक सुधार में नहीं आती, तो उसकी माँ जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगती। इसी ट्रेन में एक तांत्रिक कह लीजिए आप, या जो इन विद्याओं को जानते हैं पंडित कह लीजिए, वो भी मौजूद थे, पीछे वाली सीट पर बैठे होते हैं। जैसे ही वो उसकी माँ की रोने चीखने की आवाजें सुनते हैं, आकर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि कोई नहीं बचेगा, अब ये ट्रेन
कहीं नहीं जाएगी, ये उसे अपने साथ ले जाएगी। तभी यात्री सावधान हो जाओ, वो ट्रेन में चढ़ चुकी है। सब ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और जो शिवम है वो उस पंडित जी के सामने हाथ जोड़कर ये कहने लगता है कि ये बूढ़ी अम्मा मुझे लगातार देख रही हैं और मुझसे कुछ रोकर बड़बड़ा भी रही हैं जो मेरी समझ से बाहर है। तो पंडित जी कहते हैं कि क्या तुमने उस हॉन्टेड रेलवे स्टेशन के दौरान बाहर झांकने या देखने की कोशिश की थी, क्या दरवाजा खोला था तुमने? शिवम उसी समय हाँ कह देता है, क्योंकि शिवम अंदर से बेहद ज्यादा डरा हुआ होता है। भूतों को देखने की इच्छा तो उसकी पूरी हो गई थी, लेकिन अब वो अपनी जान बचाने के चक्कर में ये सोच रहा था कि किसी तरह से आज इस ट्रेन से उतर जाए और आज के बाद कभी भी ऐसी गलती नहीं करेगा। अब उसका हलक जैसे तो सूख ही गया था, क्योंकि वो बूढ़ी अम्मा हंस हंसकर उसकी ओर बढ़े जा रही थी। और पंडित ये कहते हैं कि जाकर कोने में बैठ जाओ, मैं देखता हूँ। और बच्चे के ऊपर वो कुछ मंत्र पढ़कर फूंकता है तो बच्चे को भी जरा होश आता है। उसकी माँ उसे अपनी गोद में लेकर साइड होकर बैठ जाती है और अब मंत्रों का जोर जोर से उच्चारण शुरू कर देती है वो पंडित। और बूढ़ी अम्मा जैसे तो चीख चीख कर रोने लगती है, बड़ी जोर जोर से अम्मा के रोने की आवाज आने लगती है। और वो मंत्र उच्चारण करते करते आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि जाकर दूसरी तरफ का दरवाजा खोल दो, मैं इसे यहां से बाहर निकाल दूंगा। अब मंत्र उच्चारण होते रहते हैं और अम्मा रोते रोते पीछे की ओर हटती रहती हैं और गेट के जैसे ही नजदीक आती हैं वो उन्हें मंत्र उच्चारण से बाहर निकालकर अपने झोले में से कुछ भभूत निकालते हैं और उनकी ओर फेंकते हैं। अम्मा बाहर की ओर कूद जाती है, ट्रेन के दरवाजे दोबारा से बंद कर दिए जाते हैं। सभी यात्री और शिवम उस समय इतने ज्यादा डर जाते हैं कि वो बूढ़ी अम्मा जैसे तो अब इस ट्रेन को पूरी तरह से अपने वश में कर लेगी और उनके पास कुछ ऐसी विद्या है जो कि वो किसी को भी फ्रीज कर सकती हैं। जैसे तो उस बच्चे को हिलने डुलने तक का भी उन्होंने मौका नहीं दिया। शिवम पूरी तरह से डर चुके होते हैं, उनके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं और ट्रेन अब आगे की ओर बढ़ने लगती है। वो बूढ़ी औरत जो होती है इस ट्रेन से कूद चुकी होती है नीचे। अब वो पंडित जी जो होते हैं शिवम के पास ही बैठ जाते हैं और कहते हैं कि नादानी में ही सही है, दरवाजा खोलने की गलती आखिर तुमने की क्यों? तो शिवम कहते हैं कि उन्हें काफी ज्यादा उत्सुकता थी देखने की कि भूत आखिर नजर कैसे आते हैं, वो दिखते कैसे हैं। इस रेलवे स्टेशन के बारे में उसने बेहद ज्यादा सुना था तो उसने सोचा कि क्यों ना इसके नजारे को अपनी आंखों से ही देखा जाए, क्या पता उसे कोई भूत नजर आ जाए। लेकिन उसके साथ जो आज इतना पैरानॉर्मल ये जो इंसिडेंट हुआ है ना, इसके बाद उसने अपने कान पकड़ लिए, ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट करने की बिल्कुल नहीं सोचेगा। तो जो पंडित जी होते हैं वो बताते हैं कि जो बूढ़ी अम्मा तुम्हें नजर आ रही थी ना राजस्थान गेटअप में, उनके साथ लगभग 16 वर्ष पहले एक हादसा हुआ था। उन्होंने अपने बेटे को विदेश पढ़ने के लिए भेजा था, जिसके बाद उन्होंने गांव की लड़की से ही उनकी शादी करवाई। उनका एक बच्चा था जो कि उस बूढ़ी अम्मा का पोता था। अब वो लड़का कुछ समय तक तो गांव में रहने आता, लेकिन वो शहर में सेटल हो गया था तो अपनी फैमिली को भी शहर में ही लेकर जाना चाहता था, लेकिन बूढ़ी अम्मा अपनी धरोहर को नहीं छोड़ना चाहती। वो चाहती थी कि उनका बेटा बहू और उनका पोता उनके साथ गांव में ही रहे। बूढ़ी अम्मा अकेली थी, उनके पति बूढ़े होकर गुजर चुके थे, अब उनका एकमात्र सहारा उनका बेटा, उनका पोता और उनकी बहू ही थी। बेटा जिद करता है कि अम्मा आप भी मेरे साथ चले, लेकिन अम्मा ये मानने से इनकार कर देती है। तो शायद उनका बेटा भी ये सोचता होगा कि कुछ समय बाद अम्मा को अपने साथ वापस बुला लेगा और वो इस ट्रेन में चढ़कर शहर की ओर जा रहे होते हैं। अम्मा उनके पीछे पीछे भागने लगती है और ट्रेन के नीचे आकर उनके दोनों पैर कटते हैं और मर जाती है। इसी कारण वो तुम्हें पैरालाइज होकर मतलब घिसड़ घिसड़ कर चलती हुई नजर आ रही थी, जैसा कि शिवम ने भी बताया उन्हें कि वो इस तरह से उसे घूर रही थी, उसके माथे पर चोट थी, वो चल नहीं पा रही थी। जो पंडित जी होते हैं वो बताते हैं कि उसकी आत्मा 16 साल से यहाँ पर भटक रही है और तुमने आज उसे ट्रेन में चढ़ने का मौका दे दिया, इसी कारण वो शायद उस छोटे बच्चे में भी अपने पोते को देख रही थी और उसे गोद में उठाने की कोशिश कर रही थी। तो ये एक इतना ज्यादा हॉन्टेड जो प्लेस था, इसके दर्शन करने की कोशिश की शिवम ने और उसके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ जिसके चलते शायद वो बूढ़ी अम्मा, अगर उस समय वो पंडित उस जो है ट्रेन में नहीं होते तो उनके साथ घर चली जाती और क्या पता उसके साथ क्या होता। क्या आपने कभी किसी सचमुच भूत को देखा है?
या आप भी ये चाहते हैं कि आप भी किसी सचमुच के भूत को कभी लाइफ में देखें? यस या नो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको भी इसी तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और हॉरर स्टोरीज सुनना पसंद है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मेरी कोई भी नई वीडियो आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप तक जरूर पहुंच जाएगी। अगर आपके पास भी है कोई ऐसी स्टोरी जो आपकी है या आपके किसी दोस्त, आपके किसी रिलेटिव की है जिसे आप हमें बताना चाहते हो, मैं तमन्ना उस स्टोरी को अपने ही अंदाज में सुनाऊंगी आपको इस चैनल पर। तो आपकी भी कोई स्टोरी है तो हमसे शेयर जरूर कीजिएगा। मैं एक व्हाट्सएप नंबर अभी स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी स्टोरी भेज सकते हैं या फिर आप कमेंट के जरिए भी हमें बता सकते हैं अपनी स्टोरी। तो अपना प्यार इस चैनल को इसी तरह से देते रहिए, जुड़े रहिए इस चैनल से। मिलते हैं इसी तरह के किसी अगले हॉरर इंसिडेंट में जो कि रियल घटना पर आधारित हो या कोई पौराणिक कथा हो जो इस चैनल पर मैं आपको सुनाऊंगी। तो फिलहाल के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।